महिंद्रा थार। महिंद्रा थार ने आंधी के जैसे इंडियन मार्केट को हिट किया है और ये आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चुनिंदा वेरिएंट्स के ऊपर 6 महीने का वेटिंग पीरियड जो लगा है, पर लंबी वेटिंग के लाइन में खड़े इस महिंद्रा थार के बायर्स इस बात का सबूत है कि महिंद्रा थार इस गाड़ी के साथ लोगों की फीलिंग्स अटैच हो चुकी है। 2020 में लॉन्च हुई इस महिंद्रा थार की तुलना में पिछले वाला मॉडल बहुत ही पुराना था। महिंद्रा ने थार को करीबन 10 साल बाद इतना बड़ा अपडेट दिया है। थार पहले से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्सट्रीम ऑफरोडर बन चुकी है, पर वैसे कोई भी कार इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। भले ही वो लैम्बोर्गिनी हो या फिर अल्टो हो, तो महिंद्रा की पॉपुलर ऑफरोडर कार थार में भी काफ़ी कुछ कमियाँ और खामियाँ मौजूद हैं। तो इस वीडियो में हम महिंद्रा थार के कुछ पॉजिटिव्स और निगेटिव्स पर गौर फरमाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वाली थार के जैसे ही ये वाली थार भी एक ट्रू ऑफरोडर नज़र आती है। थार इस शब्द का मीनिंग ही है एक ऑफरोडर, एक प्योर ऑफरोडर। थार के नाम को सुनते ही याद आते हैं जंगल, पहाड़ी, ऊंची ऊंची ढलाने, खराब रास्ते और भी बहुत कुछ। गाड़ी ऑलमोस्ट हर एक टेरेन मोड में आती है। रॉक्स, स्लैश और सैंड ऑफरोडिंग वाले एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाने के लिए महिंद्रा ने इसमें दिए हैं ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल्स, स्टैंडर्ड 4x4 ड्राइव विद ट्रांसफर केज और मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉकिंग। गाड़ी का अप्रोच एंगल है 41.8 डिग्री का, डिपार्चर एंगल है 36.8 डिग्री का और ब्रेक ओवर एंगल है 27 डिग्री का। साथ ही गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 226 mm का। नई थार की वाटर वेटिंग कैपेसिटी है 650 mm की। गाड़ी के सभी डायमेंशंस ऑफ रोडिंग के हिसाब से परफेक्ट है। ऊपर से गाड़ी में ऑटो लॉकिंग, रियर मैकेनिकल डिफरेंशियल, साथ ही गाड़ी में 4x4 ड्राइव ट्रेन जैसे बढ़िया से बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। अब महिंद्रा और टाटा की गाड़ियों पर सेफ्टी का टैग तो आता ही है, सेम हमें महिंद्रा के थार में भी बढ़िया सेफ्टी मिलती है। पुरानी वाली थार के कंपैरिजन में नई वाली थार में बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेफ्टी मिलती है। गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो गाड़ी में ABS प्लस EBD, एंटी थीफ अलार्म, चाइल्ड सेफ्टी लॉकिंग, ड्यूअल फ्रंट एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स, रोल ओवर मिटिगेशंस, रोल केज ऑफ रियर, फॉलो मी हेडलैम्प्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसे बढ़िया से बढ़िया फीचर्स महिंद्रा थार में मिलते हैं। ग्लोबल NCAP ने जब महिंद्रा थार की क्रैश टेस्ट करी थी तब थार ने 4 स्टार स्कोर किए थे, जो कि एक बढ़िया रेटिंग है। महिंद्रा थार 2 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल। गाड़ी के दोनों भी इंजन ऑफ रोडिंग के हिसाब से सक्षम है। गाड़ी का M-Stallion TGDI पेट्रोल इंजन 150 PS की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही गाड़ी का M-Hawk डीजल 130 PS की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही गाड़ी 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-speed ऑटोमेटिक्स में मिल पाती है। महिंद्रा ने थार के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। पहले थार खरीदने वाले बहुत ही कम लोग थे, क्योंकि सिटी में रहने वाले लोग समझते थे कि ये गाड़ी हमारे टाइप की नहीं है, क्योंकि पुरानी वाली थार में बहुत कुछ कमियां और खामियां मौजूद थी, जो कि महिंद्रा ने इस थार में राइड एंड हैंडलिंग और एनिवेज लेवल के ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है। अब महिंद्रा ने थार को कई सारे वेरियंट्स में अवेलेबल कराया है, जिससे कि एक लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर बेस को अट्रैक्ट किया जाए, और ऐसा असल में हुआ भी है। लोग अब थार को फैमिली कार के तौर पर एक्सेप्ट करने लगे हैं। कई लोगों को थार के नए लुक्स अच्छे लगते हैं तो कई लोगों को अच्छे नहीं लगते, पर कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि थार को जीप रेंगलर से कॉपी किया गया है। असल में ऐसा हुआ भी है, पर पिछले वाली थार के कंपैरिजन में इस नई वाली थार के लुक्स बहुत ही एडवांस्ड और मॉडर्न है। गाड़ी के राउंड हेडलैम्प्स, फ्रंट स्क्रीड प्लेट्स और 7-spoke ग्रिल अट्रैक्टिव है। गाड़ी का रियर प्रीमियम एक्सपीरियंस दिलाता है। बहुत से लोगों को लगता था कि नई वाली थार की प्राइजेस लगभग 15 लाख से ऊपर जाएंगी, पर महिंद्रा ने इस थार को एक अफोर्डेबल ऑफरोडर बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से महिंद्रा ने इसको बजट फ्रेंडली रखा है। एक शोरूम प्राइजेस के हिसाब से महिंद्रा थार की कीमत शुरू होती है 9.8 लाख से और गाड़ी का टॉप वेरिएंट जाता है 13.75 लाख तक। वहीं पर महिंद्रा की टफ ऑफरोडर व्रेंगलर की अगर बात करें तो व्रेंगलर की प्राइजेस शुरू होती है 53 लाख से। इन दोनों भी गाड़ियों के प्राइजिंग में
एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे कि महिंद्रा थार एक मोस्ट अफोर्डेबल ऑफरोडर बन जाती है। वैसे तो थार को ऑफरोडिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गाड़ी में ऑफरोडिंग के सभी फीचर्स मिल पाते हैं, पर गाड़ी में अभी भी उन मॉडर्न फीचर्स की कमी है। गाड़ी में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता, कीलेस फील्ड ओपनिंग स्विच, फोल्डेबल ओआरवीएम्स जैसे बेसिक से फीचर्स नहीं मिलते। गाड़ी का बूट माउंटेड स्पेयर व्हील पीछे की विजिबिलिटी नहीं प्रदान करता। साथ ही ऑटो डिमिंग आईआरवीएम्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रियर वाइपर्स, ऑटो वाइपर्स जैसे फीचर्स नहीं मिलते। पर गाड़ी में 7 इंचेस इंफोटेनमेंट सिस्टम विद ब्लूसेंस कनेक्टेड टेक, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, TFT MID यूनिट जैसे फीचर्स मिलते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ ऑफरोडिंग है तो महिंद्रा थार आपके लिए बेस्ट चॉइस बन जाती है, फिर तो फीचर्स वाला पॉइंट आपके लिए नहीं है। थार के रियर सीट्स डिसेंट स्पेस ऑफर करते हैं, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में सिर्फ 2 पैसेंजर्स ही बैठ सकते हैं। महिंद्रा थार एक 4-सीटर ऑफरोडर कार है, यहाँ पर 5 लोग अंदर आसानी से नहीं बैठ सकते। साथ ही गाड़ी 2-डोर कार है, जिससे कि रियर सीट्स पर जाने में बड़ी कसरत करनी पड़ती है, साथ ही रियर सीट्स पर पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। गाड़ी को 4 मीटर के अंदर रखा गया है, जिससे कि गवर्नमेंट के टैक्सेस से बचा जा सके, पर इसी एडजस्टमेंट के चक्कर में बूट स्पेस के ऊपर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया है। एक ऑफरोडर गाड़ी में स्टोरेज स्पेस होना बहुत ही आवश्यक है, आपको लगेज कैरी करने के लिए महिंद्रा थार में पर्याप्त जगह नहीं मिलती। थार मुख्य रूप से लैडर फ्रेम पर आधारित ऑफरोडर कार है, पर महिंद्रा का कहना है कि इस गाड़ी को अर्बन यूजर्स के लिए कैपेबल बनाने के लिए गाड़ी में कई सारे चेंजेस किए गए हैं, पर इन चेंजेस में महिंद्रा थार में एनवेज लेवल और राइड एंड हैंडलिंग के ऊपर इम्प्रूवमेंट की है। गाड़ी के एनवेज लेवल में बहुत ही इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, गाड़ी खराब रास्तों पर भी बेटर परफॉर्म करती है, पर दूसरी तरफ गाड़ी बाउंसी राइड प्रदान करती है, गाड़ी बम्प्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, जो इस गाड़ी को डेली ड्राइविंग के लिए परफेक्ट नहीं बनाते हैं। गाड़ी में बॉडी रोल महसूस होता है। गाड़ी के सभी निगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर किया जा सकता है, सिवाय इसके गाड़ी का वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप थार का बुकिंग आज करते हो तो आपको 6 महीने बाद गाड़ी की डिलीवरी मिलेगी। गाड़ी के कुछ वेरिएंट के ऊपर तो 8 महीने से भी ज़्यादा वेटिंग पीरियड लगा है। बुकिंग करने के बाद आपको आधे साल बाद गाड़ी मिलेगी। थार के लिए मार्केट में इतनी बड़ी मांग की उम्मीद नहीं थी और महिंद्रा वाले इस मांग को पूरी करने में विफल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो महिंद्रा थार एक मोस्ट अफोर्डेबल ऑफरोडर कार है। इसे सिर्फ और सिर्फ ऑफरोडिंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महिंद्रा थार आपके लिए एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बन जाती है, पर इस गाड़ी में कुछ मुट्ठी भर चीज़ें ऐसी हैं जो इस गाड़ी में नहीं होनी चाहिए थी। अगर इन पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के लिस्ट में आप और कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।